हाय किड्स, हाय सर। ये देखो ये एक बॉक्स है ना, इसका क्या शेप है? क्यूबॉइड क्यूबॉइड है ये। तो हम इस क्यूबॉइड की क्या नाप लेते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नाप लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये इसकी क्या है, कितनी चौड़ाई है चौड़ाई है इसकी, कितनी चौड़ाई है? नाइन। नाइन, ठीक है। तो क्या है ये, फीट बॉक्स। ठीक है, तो फीट बॉक्स की जो चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब ब्रेथ, ब्रेथ कितनी आई इसकी? नाइन। नाइन क्या, स्क्वायर सेंटीमीटर। नाइन सेंटीमीटर। और लंबाई, सॉरी कितनी आ रही है, नाइन। ये भी नाइन और ये भी नाइन। नाइन, अब हमने क्या निकालनी है इसकी हाइट। ये देखो इसकी हाइट कितनी आ रही है, हाइट इसकी कितनी आ रही, फोर फोर सेंटीमीटर। अब देखो, अब हमने अगर इसका वॉल्यूम, अब देखो अब हमने इसका निकालना क्या है, हमने इसका निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितनी जगह है। ठीक है, इसके अंदर कितनी जगह है। अब देखो ये हमारे पास कुछ हमने लाए हुए हैं, क्या है ये, क्या शेप है इनका, क्यूब्स। अब देखो ये जो क्यूब्स हैं ये कितने कितने सेंटीमीटर के होते हैं सारे, वन वन और वन। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारी क्या है, वन सेम है। अब देखो, अब ये सारे जो क्यूब्स हैं ये हमने इसके अंदर क्या करने हैं, फिट करने हैं। इसकी हाइट कितनी थी, इसकी हाइट फोर सेंटीमीटर थी। इसके मतलब इस पे जब हम इन बॉक्सेज इन क्यूब्स को रखेंगे कितने आने चाहिए हाइट में, फोर आने चाहिए। सिंपल है, टू थ्री और फोर, बिल्कुल फिट आ रहे हैं फोर। ठीक है, लंबाई कितनी थी इसकी, नाइन। इसका मतलब जब हम ऐसे में रखेंगे, लंबाई भी इसकी नाइन है और चौड़ाई भी क्या है, नाइन। इसका मतलब कितने फिट होने चाहिए ये, नाइन। नाइन सिंपल है, देखो वन टू थ्री और एक पहले से रखा हुआ है हमने, फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन। नाइन वाला पूरा फिट नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये कम पड़ इसलिए जगह, लेकिन हम उसको फिट कर लेते हैं। हो गए नाइन फिट, ये पूरे नाइन फिट हो गए, नाइन और हाइट में फोर। अब चौड़ाई में, चौड़ाई में कितने आने हैं, नाइन। देखो एक पहले से यहाँ फिट हो रखा है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और हो गई नाइन फिट। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम ऐसे ही देखो इनको फिट करते रहेंगे जमीन पे, तो ये आप बताओ ये कितने हैं, नाइन, और ये भी कितने हैं, नाइन। तो नाइन और नाइन की ये पूरी लाइन है, तो अगर हम टोटल इसको पूरा भर देंगे तो कितने आने चाहिए, 81। टोटल कितने हो गए ये, 81 हो गए सबसे नीचे वाली लाइन में, मतलब नीचे की पूरा एक लेवल हमने किससे भर दिया, 81 क्यूब से। अब देखो 81 क्यूब्स यहाँ आ गए। अब इसकी कितनी लाइन्स हैं टोटल ऊपर, फोर। तो इसका मतलब पूरा भरने के लिए 81 को क्या करना पड़ेगा, फोर से मल्टीप्लाई। 81 इंटू फोर कितना आएगा, फोर वन जा फोर, फोर एट जा 32, 324 क्या सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब सीट है ये, क्यूब्स का तो नाम लिख लिया हमने क्यूब, और सेंटीमीटर क्या हो गए, 324। पता चल गया मतलब वॉल्यूम हमने कैसे निकाला, इसका जो एक क्यूब था, एक क्यूब हमने इसमें फिक्स किए और सारे क्यूब्स को हमने डाल के देख लिया कि इसके अंदर कितने क्यूब एक साथ फिक्स हो रहे हैं। अब देखो ये तो हो गया ओरिजिनल, लेकिन यहाँ पर माना हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हों, यहाँ पर तो हमारे पास थोड़ी छोटी छोटी संख्याएं थी, तो हमने इस डब्बे को भर लिया। माना आपको एक पूरा कमरा भरना पड़ेगा इनसे, तो फिर तो बहुत टफ हो जाएगा ना करना। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा, देखो 9 इंटू 9 इंटू 4, 9 9 जा 81 और 81 4 जा 324। ठीक है, 324 क्या सेंटीमीटर, समझ गए।
इसका मतलब कोई भी चीज हो अगर हमको फिक्स करना है, माना इस कमरे को हमको फिक्स कर, इस कमरे में हम देखना चाहते हैं कि इस पूरे कमरे में कितना सामान हम एक बारी में रख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी क्या निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, फिर तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हम उसको मीटर में निकाल सकते हैं, हम उसको चाहे लंबाई को सेंटीमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर एक बहुत छोटी यूनिट होती है। तो जब हम कमरे की लंबाई की बात करेंगे तो कमरे की लंबाई हम काय में निकालेंगे, मीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर में तो हम छोटी चीज़ों को निकालते हैं, लेकिन कोई बड़ी चीज़ है तो फिर हम काय में निकालेंगे, मीटर में, ठीक है।